नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीआई के बारे में। जी हाँ भाई, जॉब से संबंधित बात करेंगे। बहुत सारे जॉब ऐसे होते हैं कि वीआई में कमीशन बेस पे जॉब किया जाता है, खास तौर से मार्केटिंग लाइन में। जी हाँ, आपने देखा होगा यार, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सैलरी बेस पे जॉब न करते हुए कमीशन बेस पे जॉब करते हैं कि भाई इतने सामान का जो प्रोडक्ट है उनको सेल किया तो इतना कमीशन आपका बन जाएगा। कई बार ठीक बन जाता है, कई बार बिल्कुल नहीं बनता, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ, इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं कि क्या कमीशन बेस पे अगर आप मान लो काम कर रहे हो और आपको लगता है कि यार नहीं, कमीशन बेस पे हमें काम नहीं करना है, हमें दूसरी कंपनी में सेट होना है जो जॉब दे रही है डायरेक्ट सैलरी बेस पे, तो क्या आप इस्तीफा देते हो तो कंपनी स्वीकार करती है नहीं करती है? अगर स्वीकार कर लेती है तो उसके बाद में आपका बोनस, आपका जो सैलरी बोनस होता है, जो जैसे आपने किसी कंपनी में 5 साल काम कर लिया तो बोनस तो बनता है ना 1 साल के बाद में, तो वो बोनस क्या आप हकदार हैं? क्या यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कमीशन बेस पे जॉब करना लीगल है? इसमें डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले साथियों, वीएई में कमीशन बेस पे जॉब करना ही मान्य नहीं है। जी हाँ, इस बात को माइंड में बिठा ले कि कोई आदमी, कोई कंपनी, कोई आपको, कोई भी एक्सवाइजेड, यार बहुत सारे दुबई में छोटी छोटी ऑफिस या मॉल में या दुकान शॉप में लेके बैठे हैं, वो बोलते हैं कि तू कमीशन बेस पे काम कर ले, अग्रीमेंट हो जाता है। तो आपको ये दिमाग में रखने की बात है कि दुबई में, यूएई में कमीशन बेस पे जो जॉब कर रहे हैं ना, वो इलीगल तो उसको नहीं बोल सकते, लेकिन वो मान्य नहीं है। समझ गए? कोई भी आपसे कमीशन बेस पे जॉब नहीं करवा सकता। हाँ, ये हो जाता है कि भाई तुझे 1000 या 1500 2000 दराम सैलरी दूंगा, प्लस आपको अगर आप इतना काम ज़्यादा कर देते हो, इतने प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर देते हो, आपको इस पे कमीशन मिल जाएगा, ये हो सकता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, आप जैसे कमीशन बेस पे किसी में काम कर रहे हैं, फिर लगता है कि यार नहीं, हमें जॉब छोड़ना है, आप इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन आपका मालिक, आपका नियुक्ता, कंपनी कोई भी है, वो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो तो स्वीकार क्यों करेगा भाई, उसकी तो आप अच्छी एक सोने की मुर्गी अंडे देने वाली होती है ना, सेम वैसी स्थिति हो रही है, क्योंकि आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हो, सामान बिका तो उसको कमीशन मिल जाएगा, वो आपसे कमा रहा है, आप उससे नहीं कमा रहे हो, उसका सामान आप बेच रहे हो तो आपसे कमा रहा है, तो वो नहीं चाहता ना कि आप इस्तीफा दें, दूसरी जगह जॉब कर लें। तो आपको डाउट होगा कि यार अब क्या होगा, तो आपके दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जिस दिन, मान लीजिए आपका अग्रीमेंट 2 साल 3 साल का है, कोई इश्यू नहीं है, आपको 6 महीने बाद, इतने मान लो 1 साल 2 साल काम करते हो गए, आप अग्रीमेंट इस्तीफा देना चाहते हैं, तो बाकायदा आप एक इस्तीफा आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, ईमेल से भी बोल सकते हैं, आपको उनको देना होता है, वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे उसकी मर्जी है। आपने जिस दिन इस्तीफा दे दिया उसी दिन से वो इस्तीफा लागू हो गया, उसके 1 महीने तक आप काम करें तो करें, ठीक है, नहीं करें तो नहीं करें। इस्तीफा दे दिया कोई बात नहीं, फिर भी आपको लगता है कि यार आपके बोनस का क्या होगा भाई, आपका बोनस, वार्षिक छुट्टी, ग्रेजुएटी बोनस वगैरह तो बनता है ना, तो बिल्कुल आप पूरे हकदार है। अब आपको बोला जा सकता है कि आप तो कमीशन बेस पे काम कर रहे थे, आपका बोनस, ग्रेजुएटी बोनस तो बनता ही नहीं है, तो बिल्कुल दुबई का जो लेबर लॉ है, मैं बता दूं 2014 में केस नंबर 57 में ये फैसला जजमेंट कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि भले ही आपने कमीशन बेस पे काम किया, लेकिन अब आपकी वार्षिक छुट्टी आपने नहीं ली, उसका बोनस आपका बनता है, आपकी छुट्टी के बदले आपने काम किया उसका डबल बोनस मिलता है, ग्रेजुएटी भुगतान आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। जी हाँ, तो आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं फिर भी आपका ग्रेजुएटी बोनस या हॉलीडे छुट्टी या आपकी 2 साल के बाद में जो न्यू सैलरी वगैरह होती है वो सब कुछ मिलने के हकदार हैं आप। जी हाँ, तो इस बात को आपको बात समझ में आ गई होगी, बस ये छोटी सी अपडेट आपको देनी थी साथियों। जानकारी अच्छी लगे तो भाई शेयर जरूर कर दें अन्य लोगों के साथ में, ताकि बहुत सारे लोगों के काम की बात हो सकती है। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय